और विकास उनका घर है यहाँ पे, अभी यहाँ के रहने वाले, यहाँ पे सांसद भी रहे पहले। इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा रही और रहेगी यहाँ। अच्छा। उनके आगे उनके सामने कोई अभी टिकने वाला नहीं है। इस बार चार चौपार, अब की बार भाजपा सरकार। बिजली नहीं आ रही, किसानों को मिल रही है, मुद्दे रहेंगे, शिक्षा का मुद्दे रहेंगे, भागीदारी के मुद्दे रहेंगे। आप देख रहे हो मंडी में किसानों की क्या हालत है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय मौजूद है जनपद मैनपुरी के सिंधिया तिराहे पर। अगर जो हम बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं। अगर जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी से ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं और मौजूदा समय सदर सीट से विधायक भी हैं और कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भी हैं। आइए, हमारे साथ जनता है, इनसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या राय है जनता की। डिंपल भाभी थी यहाँ से, डिंपल भाभी जी थी। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप? मुद्दे क्या, और विकास उनका घर है यहाँ पे, अभी यहाँ के रहने वाले, यहाँ पे सांसद भी रहे पहले, मुलायम सिंह यादव भी रहे यहाँ पे। बता रहे कुछ बदलाव लग रहा है मैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने वाली बात है, कोई बदलाव नहीं। डिंपल भाभी यहाँ से भाभी बोलते हैं। अच्छा, क्या लगता है किस वजह से आप समाजवादी पार्टी पसंद करते हैं? क्या उनके इधर उन्होंने यहाँ पे विकास कराया है? ऐसी बात नहीं है, यहाँ विकास भी काफी कराया है। अच्छा, विकास दादा आप भी बता दीजिए, क्या लगता है इस बार? बीजेपी। बीजेपी मुद्दे क्या रहेंगे? तो बीजेपी ही रहेंगे। अच्छा, बीजेपी। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, पूछेंगे, ये युवा भी हैं एक। आइए भैया, क्या लग रहा है, वोट बन गया आपका? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं बना है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा रही और रहेगी यहाँ। अच्छा। उनके आगे उनके सामने कोई अभी टिकने वाला नहीं है। आप युवा हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं सरकार से कि क्या शिक्षा को लेकर क्या करना चाहिए? शिक्षा तो लेकर ये करना चाहिए, नौकरियाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ। ये बीजेपी सरकार में कोई नौकरी, मतलब काम, आदमी बेरोजगार फिर रहा है। थोड़ा बहुत किसी को, पार्टी को ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि आदमी लोग रोजगार फिर रहा है इसको काम के लिए। अच्छा, रोजगार, आपको रोजगार चाहिए। हाँ, हमारे ऐसे कितने भाई बंदे घूम रहे हैं, इस सोचना आपको भी पता है। ये बीजेपी पार्टी बस इसी काम से फेल है। वैसे तो गुंडा कर दी ये सारी, ख़त्म कर दी ये तो अच्छा हुआ, लेकिन नए लड़कों का भविष्य करियर ख़राब कर दिया इससे, कि आगे का लोगों का लाइफ खराब हो गई, तो इससे क्या मतलब। अच्छा, इसमें सारा ही खराब हो गया ना। अच्छा, चलिए आइए इनसे भी बात करते हैं। दादा, 7 मई को चुनाव होना है, इस बार क्या लगता है आपको? किसका? समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और सपा से भी है, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को चुनाव मंत्री का? अगली बार मंत्री जीतेंगे, मंत्री जीतेंगे। बदलाव होगा। लेकिन 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है, अब वो किस तरीके से फेस कर पाएंगे? कभी बस खत्म है बस। अच्छा, बीजेपी क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे की तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है मंत्री जीतेंगे। मौजूदा सभा में कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तो मंत्री जी जीतेंगे। बस गुंडाराज खत्म, रामराज चालू। अच्छा अच्छा, और भी लोग। अरे भैया, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में 7 मई को वोटिंग है, मंत्री जीतेंगे? अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे काफी अच्छे मुद्दे हैं सब। अच्छा, बड़े मुद्दे हैं। इस बार चार चौपार, अब की बार भाजपा सरकार। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे गुंडा राज खत्म है, जो बहन बेटियां जाती थी रात को नहीं निकल पाती थी, वो अब आराम से निकलती हैं और आती हैं, और कोई भय नहीं, सब भय खत्म हो गया। अच्छा, जवाब जयवीर सिंह। 1996 से बीजेपी की कितनी बड़ी रह रही हो, लेकिन मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लोकसभा में हमेशा से ही कब्जा रहा। अब गढ़ खत्म हो गया, जो लोगों को पता चल गया क्या होता है, गुंडा राज खत्म है, भ्रम टूट गया है, सब खत्म है। अच्छा जी, इस बार बदलाव है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में? साइकिल निकली, साइकिल निकलेगी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यहाँ साइकिल निकलेगी और पता नहीं कहाँ निकलेगी। अच्छा, साइकिल निकलेगी। भैया, आपकी क्या राय है?
चलिए ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अरे मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा। सपा क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे महंगाई, गैस सिलेंडर 900 रुपए का, मजदूरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं, लेकिन लेकिन मजदूरी कैसे करते हैं, पालन पोषण कैसे करते हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से महंगाई बहुत है, मजदूरी से गुजारा नहीं चल रहा है, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अब महंगाई को लेकर है, महंगाई। चलिए चलिए, और भी लोग हैं। भैया, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को चुनाव होना है? अगली बार तो जो हालत है, जहाँ तक बुरी हालत हो जाएगी और क्या। आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? हरण। हरण जी, 7 मई को मैनपुरी में वोटिंग है, क्या लग रहा है इस बार? आपकी भाभी जी जीतेंगी, कम से कम 3.5-4 लाख से कम से कम। अच्छा, मतलब क्या रहे हैं आपके? बीजेपी ने किया ही क्या है, बेरोजगार, महंगाई, जो सिलेंडर देखो 5 किलो गेहूँ दे देती है, वो बढ़ाए क्या, कच्चा खाए क्या इस बार 5 किलो गेहूँ को? इस बार तो लोग कह रहे हैं मैनपुरी में बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी का गढ़ गढ़ नहीं रहेगा। अरे कुछ नहीं है ऐसा, ये सब सपोर्ट संघ है, अगर बेईमानी की तो वो एक अलग बात है, ना कुछ नहीं। कम से कम भाभी जी 3.5-4 लाख वोटों से जीतेंगे कम से कम। अच्छा हाँ, नहीं पिछली बार 2,88,000, इस बार क्या मार्जिन रहने वाला है? कम से कम 3 लाख से ऊपर ही, 3 लाख से ऊपर ही जीतेंगे। हाँ चलिए ठीक है, आ जाइए, और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अच्छा अरुण जी, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या मैनपुरी डिंपल यादव जीतेगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे उद्दे भाई हम नहीं जानते हैं, हमारा सीधा कह रहा है डिंपल यादव जीतेगी। डिंपल यादव जीतेगी। अच्छा, दादा भी हैं, मोटरसाइकिल जा रहे, चलो इनसे ही जाते जाते पूछ लेते हैं। दादा बता दीजिए, इस बार 7 मई को क्या होने वाला है मैनपुरी में? देखो चुनाव हुआ तब पता चला हमारा क्या होता है। चुनाव तो होली, आपको क्या लगता है? इनसे तो डिंपल ही निकल रही है। मुद्दे क्या रहेंगे समाजवादी पार्टी? मुद्दे नवाला भैया। अच्छा मान भैया, चलिए और भी लोग हैं। दादा क्या नाम आपका? जय किशन साहब। अच्छा जय किशन जी, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को चुनाव होना, क्या मुद्दे रहे, क्या राय है आपकी? भाई मुद्दे रहे विकास के, ठीक है, और जो गायें जो हैं आवारा गायें, जो किसानों की फसलें जल रही हैं, बिजली नहीं आ रही किसानों को मिल रही है, मुद्दे रहेंगे शिक्षा का, मुद्दे रहेंगे भागीदारी की, मुद्दे रहेंगे। आप देख रहे हो मंडी में किसानों की क्या हालत है, मंडी से बाहर निकाल के कर दिया, किसान सड़क पे है। अच्छा दादा, आप भी आ जाइए, आप बुजुर्ग, आपने बहुत वोट डाले होंगे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको 7 मई को चुनाव होना, क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो है यही, अब लगा तो का नहीं, किसको वोट देंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे आप? जो मांगना है आवाज आ रही है, जो मांगना है सभी लोग आते हैं ना, आवाज है ना, कोई ना जाते, कोई नहीं जाता मांगने ना। अच्छा, अभी भी समय बहुत कम है, 4-5 दिन है, कोई मांगने आया उसी को वोट दे देंगे और क्या। अच्छा, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का आएगा तो भाई मांगो उसे दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। भैया क्या लग रहा है इस बार? हम क्या बताएं भाई, डिंपल यादव जी, डिंपल यादव जी, मुद्दे क्या रहेंगे आप? आपका वोट बन चुका है। हाँ? अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? डिंपल उन्हीं को देंगे। अच्छा, सिर्फ वोट देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अरे दादा, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में? डिंपल 4 लाख+ डिंपल ही रहेंगे इनमें तो, आगे और कौन है? अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे लोग क्या, विकास विकास तो उनके अखिलेश के हिसाब यहाँ पर। अच्छा, और क्या, सब उनके ही विकास कराया हुआ है। लेकिन 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन विपक्षियों का कहना है लगातार इस बार बदलाव होगा, मैनपुरी में रामराज जाएगा, बदलाव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा चलिए चलिए, और भी लोग हैं, ई रिक्शा पे जा रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे और जानेंगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे क्या। भैया क्या नाम आपका? राम किशन। अच्छा दादा, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को मैनपुरी में चुनाव होना है, और क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में बदलाव है? बदलाव होना चाहिए तो भैया, जाओ जाओ, होना चाहिए आपके हिसाब से, किस किस कौन जीतेगा मैनपुरी से? कमल के फूल की उम्मीद है, फूल की। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके, आपके क्या पसंद है, जो आपके मुद्दे रहने वाले हैं, जो कमल के फूल को आपको उम्मीद लग रही है इस बार? उम्मीद तो लग रही है कमल के फूल की, उनको जपा ज्यादा रहता है ना। अच्छा अच्छा, हर धुन से रहता है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अम्मा भी बैठी, अम्मा क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में, क्या क्या सोच कर वोट करेंगे इस बार? मोदी को हम तक देंगे। अच्छा, मोदी जी को देंगे। हाँ।
अच्छा चलिए, तो क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? हमें कोई ना कुछ दे तो मकान फूटे में रह रहे हैं हम तो। अच्छा हाँ, तो बीजेपी जब मन होया तक दे दिए, ना मन तो ना दिए। हमें कोई सुविधा ना है, कहीं से फूटो मकान फूटे में आद पटा है तो रोटी करते हैं, एक धन ठाड़ी करे ऐसी बगीच जाए तो मऊ मच जाए, हमारा लड़का बच्चा मत जाए। मोदी को कहा आवास दे रहे, आवास दे रहे, कहाँ आवास दे रहे बताओ। लेकिन वोट आप फिर भी मोदी जी को दे दिए, जब पहुंचे तब पहुंचे। अच्छा हमें कोई ना कुछ करते हुए कोई नहीं ना। अच्छा अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद सक्सेना। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस बार 7 मई को चुनाव होना मैनपुरी में? तो हमारा तो जो है बीजेपी का है। बीजेपी क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? इस बार तो जाके मैनपुरी से कमल राफुल की जीता ही है। जीता है, लेकिन 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार क्या चुनौतियां हैं फूल के लिए? नहीं, चुनौतियां तो नहीं है, मगर जाएगी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जी जी, और घर की जो है बहन बेटियां भी, जो अपनी जो पहले गुंडागर्दी होती थी, बिजती होती थी और चोरियां भी होती थी, वो अब नहीं है। अब नहीं है, आपका कहना है राम राज्य है। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए आप कमल को फूल को ही बोल, कमल को फूल। चलिए, ये थे हमारे साथ मैनपुरी के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया बताया है कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मैनपुरी से अरुण यादव।